हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक न्यूज़ आ रही है माइनिंग सेक्टर से, कमर्शियल माइनिंग को लेकर के। पहले 3 दिन में 3 कोयला ब्लॉक्स का नीलामी हो चुका है और महाराष्ट्र का जो कोल ब्लॉक है वो अदानी के हाथ में लगा है। पूरे डिटेल में अगर मैं बात करूँ तो सोमवार को कमर्शियल माइनिंग के तहत दूसरा ट्रेंच का ई नीलामी प्रोसेस में पहला दिन 3 कोल ब्लॉक का बोली लगाया गया था, जिसमें 3 जो कोल ब्लॉक थे वो थे महाराष्ट्र में स्थित गोंडखरी कोल ब्लॉक, इसके बाद एक छत्तीसगढ़ का जो कोल ब्लॉक था वो था झिगडोर कोल ब्लॉक, और जो झारखंड का कोल ब्लॉक था वो था जोगेश्वर और खास जोगेश्वर कोल ब्लॉक, जिसमें से महाराष्ट्र का जो कोल ब्लॉक है गोंडखरी कोल ब्लॉक, उसमें अदानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है और साथ ही साथ इसके लिए बोली भी लगाई है। इसके लिए 2 और भी कंपनियों ने बोली लगाई थी, लेकिन महाराष्ट्र की स्थित यानी अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड ने कोल ब्लॉक में इसको जीत लिया है। तो मतलब 98.71 मिलियन टन वाला जो कोयला का कोल ब्लॉक है इसको महाराष्ट्र अडानी पावर महाराष्ट्र लिमिटेड को दे दिया गया है। इसके बाद जो दूसरा कोल ब्लॉक का अगर मैं बात करूं तो दूसरा कोल ब्लॉक आपका झारखंड में स्थित है, जिसको हम लोग जोगेश्वर और खास जोगेश्वर कोल ब्लॉक बोलते हैं। ये साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, इसके हाथ लगा है, इसमें बोली लगाई है। इसके लिए भी 2 और भी प्राइवेट कंपनी थी जिन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, बोली लगाया था, और उसमें से साउथ वेस्ट पिनाकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड इसको ये कोल ब्लॉक आवंटित कर दिया गया है, जोगेश्वर और खास जोगेश्वर कोल ब्लॉक को। इसका जो कैपेसिटी है, कोल रिजर्व है, वो 84.03 मिलियन टन कोयला भंडारित का रिजर्व है टोटल इसमें। और जो लास्ट कोल ब्लॉक है जिसके लिए बोली लगाई गई है वो है झिगडोर कोल ब्लॉक, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में उपस्थित है। इसके लिए 3 कंपनियों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, क्योंकि इसमें 250 मिलियन टन का कोयला डिपॉजिट है, जिसके लिए इसमें 3 कंपनियों ने, 3 निजी कंपनी जो थे प्राइवेट कंपनी, उसने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। बट सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को ये कोल ब्लॉक दे दिया गया, आवंटित कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा की बोली लगाई थी। तो नीलामी काम जो है वो 4 अगस्त तक चलेगा। 3 अगस्त को भीवकुंड और रोताबंद खदान का ये नीलामी होगा, और वहीं 4 अगस्त का बात करें तो खरगांव, भास्करपारा, बूरा खाप, स्मॉल पैच, ये तीनों की बोली लगाई जाएगी। तो ऐसे आपको बता दें कि ये भारत की जो सबसे बड़ी नीलामी प्रक्रिया थी अब तक का माइनिंग का, कमर्शियल माइनिंग का सबसे बड़ा नीलामी प्रक्रिया था। 67 कोल ब्लॉक्स को इसमें बेचने की ऐसे प्लानिंग की गई है, और ये सबसे बड़ा कोल ब्लॉक का नीलामी है, क्योंकि एक बार में 67 कोल ब्लॉक्स को बेच देना का डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है। आपको बता दें कि कोयला मंत्रालय ने मार्च में 67 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, और 9 जुलाई को टेक्निकल बिड्स जो है वो खोल दिया गया था। 16 में से 19 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जिनके लिए टोटल 34 बोलियां प्राप्त हुई है, यानी 19 कोल ब्लॉक ऐसे हैं जिनके लिए टोटल 34 अलग अलग कंपनीज ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। केवल 8 कोयला खदानों में से एक से ज़्यादा टेंडर प्राप्त हुआ है, एक से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। 11 खदानों के लिए सिंगल टेंडर मिला है, सिंगल निविदा मिला है, ऑक्शन मिला है। नीलामी उन 8 खदानों की हो रही है जिनके लिए एक से ज़्यादा निविदा मिली है। जो सिंगल टेंडर वाले हैं, जो सिंगल अप्लाई किए हैं उस कंपनी के लिए, सिंगल कंपनी है, सिंगल पार्टिसिपेंट है, वो कंपनी तो उनको ऑलरेडी अलॉट हो चुका होगा, बट जो जिसके लिए मल्टीपल बोली आई है, जिसके लिए मल्टीपल इंटरेस्ट आया है, उसको इसके लिए बोली निकाली जाती है। तो डिटेल में मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, कि मार्च में ये शुरू किया गया था, प्लानिंग तो किया गया था जनवरी के टाइम कि 67 कोल ब्लॉक्स को बेचा जाएगा, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, मंत्रालय ने नोटिफिकेशन निकाला था, देन मार्च में इसका प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, और जुलाई में बिड्स को खोल दिया गया था। बिड्स खोलने के बाद बहुत सारे कंपनी ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जैसे वेदांता है, हिंडाल्को है, इसी तरह से जिंदल है, और तो और अडानी है, ऐसे छत्तीसगढ़ पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, उड़ीसा पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये सारी बड़ी तमाम कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उन सभी ने इस कोल ब्लॉक में अपना हिस्सा लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि वेदांता को कौन कौन सा कोल ब्लॉक अलॉट होता है और हिंडाल्को को कौन कौन सा कोल ब्लॉक अलॉट होता है। तो ऐसा जब भी न्यूज़ आएगा उससे मैं आपको अपडेट रखूँगा।
और ये सब एक तरह से जो फ्यूचर जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, जिनको फ्यूचर में एक दो साल में जॉब का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतर साबित होगा, क्योंकि जितने भी कोल ब्लॉक्स की नीलामी होगी उसमें जो भी पार्टिसिपेंट लेंगे, जो भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करेगी, देन उसको माइनिंग सरदार, ओवरमैन और बहुत सारा अलग अलग स्टेचुअरी पोस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो आप प्रिपेयर रहेंगे इस चीज़ को, अगर जानकारी आपको रहेगी कि कहाँ कहाँ का कोल ब्लॉक किस किस कंपनी ने लिया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।